50 में टोटल 13 सेक्टर्स है और टोटल 50 सेक्टर्स का मतलब 50 स्टॉक्स का एवरेज शो करता है। ऑयल सेक्टर, पावर, सीमेंट, सीमेंट जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं घर बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड वगैरह बनता है तो सीमेंट यूज में आता है। ऑटो सेक्टर तो हम लोग को पता है, जैसे आईचर्स मोटर हो गया, हिंदुस्तान यूनिक, फिर आपका हीरो मोटो हो गया, बजाज ऑटो हो गया, ये सारा कौन सा सेक्टर्स में, तो ऑटो सेक्टर में। पावर आपका हो गया जैसे कि कोल इंडिया हो गया, टाटा पावर हो गया, अदानी पावर हो गया, ये सब सब पावर सेक्टर जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स में हम लोग जानते हैं कि हम लोग डेली यूजेस में जो लाते हैं, जैसे ब्रिटानिया हो गया, कंज्यूमर गुड्स में डावर आ जाएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर आ जाएगा, जैसे ऑयल वगैरह होता है वो सब में। फाइनेंशियल सेक्टर में HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, ये सब फाइनेंशियल सेक्टर्स में आ गया। फार्मा सेक्टर भी पता ही है, दवा का हो गया। तो टोटल 15 सेक्टर्स, मेटल में टाटा स्टील हो गया जैसे मेटल सेक्टर, आयरन हो गया जैसे हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो टोटल 13 सेक्टर्स मिलकर एक निफ्टी